तो गाइस इसी बिल्डिंग में रहते हैं हमारे बॉलीवुड के बहुत ही पुराने कॉमेडियन असरानी जी। तो गाइस इधर से सीधे जाएगा तो गोविंदा जी का घर मिलेगा और यहाँ देख सकते इधर रहते शिल्पा सिटी एंड सरदार कपूर गाइस और बॉबी देवल का स्टूडियो भी गाइस और यहाँ देख सकते आपको बिल्डिंग दिख जाएगा। इसी बिल्डिंग में रहते हैं असरानी जी। मैं थोड़ा बिल्डिंग के नज़दीक जाकर आपको दिखाता हूँ, यहाँ से देख सकते यहाँ के जाने का रास्ता गाइस। यहाँ से आप राइट लोगे तो उसी बिल्डिंग में दिख जाएगा आपको, उसी बिल्डिंग में असरानी जी रहते गाइस और यहाँ से देख सकते हो आप जाने का रास्ता यही है गाइस, जाने का रास्ता उस बिल्डिंग के बिल्डिंग किसी बिल्डिंग में असरानी जी रहते गाइस। तो मैं आपको बता दूं इस बिल्डिंग में असरानी जी का 2 फुट का अपार्टमेंट है, 3रा फ्लोर है, 5वां फ्लोर देख सकते गाइस ये है 3रा फ्लोर वो 5वां फ्लोर। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, इसी फ्लोर पर असरानी जी वो अपनी पूरी फैमिली के साथ रहते गाइस और इस बिल्डिंग भी काफ़ी खूबसूरत देखने को गाइस मिलता है, जो कि देख सकते चारों तरफ से बिल्डिंग में जो कांच लगा है ना, जो कि काफ़ी लग्जरी देखने को गाइस मिलता है। तो गाइस इसके जस्ट बगल में अक्षय कुमार एंड शिल्पा सिटी का घर है गाइस, तो इनका भी घर का प्राइस ज़्यादा होगा, इनका घर का प्राइस लगभग 15 करोड़। गाइस असरानी जी का जन्म 1 जनवरी 1941 जयपुर राजस्थान में हुआ था। इन्होंने करीब 300 से ज्यादा फिल्मों में भी काम कर चुके हैं और 1995 में जो एक मूवी आई थी तकदीर, उस मूवी में इन्होंने चित्ररूप का किरदार निभाए थे और इनका पूरा नाम है गोवर्धन असरानी। फिल्म बादू का बादू 1977 और आज की ताजा खबर 1973 के लिए इन्हें फिल्म पे पुरस्कार भी मिल चुके हैं। गोवर्धन असरानी जी का एक बेटा जिनका नाम है नवीन असरानी और वह एक अहमदाबाद में डेंटिस्ट है। दोस्तों इनकी कार कलेक्शन की बात करें तो इनके पास है ODQ7 होंडा सिटी जैसी लग्जरी कार भी शामिल है और जहाँ पर ये बिल्डिंग है वो एड्रेस बता दूँ आपको, एड्रेस है B3 Beach House अपार्टमेंट गांधीग्राम रोड जीव मुंबई गाइस। इसी में रहते हैं हमारे गोवर्धन असरानी, वो अपनी पूरी फैमिली के साथ देख सकते गाइस इसी बिल्डिंग में 5वें फ्लोर पे गोवर्धन असरानी वो अपनी पूरी फैमिली के साथ रहते गाइस, जो कि बिल्डिंग काफ़ी खूबसूरत देखने को मिलता है। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद होगा तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।